हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है, ये हर इंसान के काम आने वाली वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि घर बनाते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा जो आपको अपने घर बनाते समय उसको देखना है। सबसे पहला तो है कि हमें कौन सी नींव जो है वो चुननी है, हमारे लिए राइट फाउंडेशन कौन सी है। सबसे पहले अगर आप बेसमेंट बना रहे हो तो आपको स्ट्रिप फुटिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्ट्रिप फुटिंग पर आपको वाल खड़ी करके उसको चारों तरफ से कास्ट करके स्ट्रिप फुटिंग यूज करनी है आपको, अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो। अगर बेसमेंट नहीं बना रहे हैं तो आप आइसोलेटेड फुटिंग का इस्तेमाल करिए। सिंगल सिंगल कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग बनाइए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। यहाँ पर आइसोलेट फुटिंग जो है वो कई तरह की होती हैं, प्लेन भी बना सकते हैं, स्टेप्ड भी बना सकते हैं, उसके बाद आप स्लोप वाले भी बना सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। तो ये आपकी फुटिंग्स हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना कि प्लेन बीम का टॉप हमारा वो कहीं भी मिट्टी से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप के बाद जब हम ब्रिकवर्क शुरू करेंगे तो उस ब्रिकवर्क का कनेक्शन मिट्टी से ना हो, क्योंकि मिट्टी से जो है फिर वो सीलन जो है दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, फिर बाद में बहुत परेशान करती है। तो कोशिश करें कि प्लिंथ बीम का टॉप हमेशा मिट्टी से ऊपर रहे, 4-6 इंच कम से कम ऊपर ही रहना चाहिए। इसका खास ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी तराई जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर लगातार होती रहनी चाहिए। दिन में 3-4 बार उसको आप कर सकते हैं, मौसम के अनुसार। अगर ज़्यादा सर्दी है तो 2 बार भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्मी है तो अगर गर्मी में जितना ज़्यादा कर सको आप 3-4 बार वो आपको करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सरिया जो बांधते हैं बीम वगैरह में, तो उसकी रिंग जो है, रिंग के अंदर जो एल होता है वो जैसे फिक्सचर में दिख रहा है ऐसे 135 डिग्री के पर मुड़ना चाहिए। और जो स्लैब और बीम का जो सरिया होता है वो एंड पे हमेशा एल बन के ऐसे मुड़ना चाहिए, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये तब काम आता है जब बिल्डिंग में भूकंप वगैरह आता है तो ये पूरी बिल्डिंग को बांध के रखता है। ये आगे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है ब्रिकवर्क के जॉइंट जो हमारे वो सही होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जॉइंट नहीं आना चाहिए, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। आप देख रहे होगे कोई भी जॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोड ट्रांसफ़र जो है इसका डायगोनली होगा, वर्टिकली नहीं होगा। उसके बाद है डी शटरिंग हमें कब कब करनी चाहिए। कॉलम की डी शटरिंग हमें 12 से 24 घंटे के अंदर कर देनी चाहिए, और उसके बाद तुरंत उसके ऊपर तराई शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद है स्लैब की डी शटरिंग हमें 7 से 10 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। और आपकी स्लैब का स्पैन जो है 3 मीटर या उससे कम है, चाहे शटरिंग आपकी फिर कोई से भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 7 से 10 दिन के अंदर उसको खोल सकते हैं। उसके बाद है कॉलम्स, कॉलम जो हमारा वो 20 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 फीट से ज़्यादा है तो आपको वो बीम स्पेशली डिज़ाइन करवाना पड़ेगा किसी इंजीनियर से, आप उसको कंसल्ट करिए तभी वहाँ पर बीम डालिए, अगर आपको 20 फीट से ज़्यादा दूरी करनी है तो। उसके बाद है प्लास्टर करने से पहले हमें जहाँ पर भी RCC और ब्रिकवर्क का जॉइंट होगा वहाँ पर चिकन वायर मैच लगानी है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हैं और प्लास्टर के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच दोनों का जहाँ जॉइंट बनता है वहाँ पर 3 इंच उधर 3 इंच उधर ओवरलैप करके उसको फिक्स करना चाहिए, जैसे आपको फोटोज में दिख रहा होगा। कॉलम होगा, बीम पे भी लगेगा, कॉलम पे लगेगा, और चिकन मैच की आपको पिक भी दिख रही है, बाज़ार से लाओगे तो आप आसानी से इसको देख कर ला सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रैक्स का चांस जो है वो इसी एरिया पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पर कंटूट्स होते हैं दीवार के अंदर वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है कि स्लैब, कॉलम, बीम
या कोई भी कास्टिंग करते टाइम हमें कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा आपको फ़ोटो में दिख रहा है, क्योंकि कई बार जो है कंक्रीट के अंदर वॉइड्स रह जाते हैं और वॉइड्स से जो है कंक्रीट हमारा कमज़ोर हो जाता है, और हनीकॉम्बिंग का कारण भी यही होता है कि उसमें वाइब्रेट कम मारते हैं। और ओवर वाइब्रेटिंग भी नहीं करनी है, लेकिन वाइब्रेटर उसके अंदर मारना है, बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर से उसके अंदर वॉइड्स नहीं रहने चाहिए, उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करिए। ठेकेदार को बोलिए कि भाई वाइब्रेटर लेके आओ, तभी कास्टिंग करूँगा, करने दूँगा, वरना नहीं करूँगा। चलिए आप आगे इसके ऊपर और बहुत से पॉइंट हैं, वो आपको बताऊँगा मैं अगली वीडियो में, लंबी वीडियो हो जाए तो लंबी हो जाएगी, नहीं तो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए आपको जो जो वीडियो पे आपको जो जो टॉपिक आपको आगे वीडियो पे चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।